नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, बाजरा, लहसुन, हरी मिर्च, सेब और काजू की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, साथ ही बाजार के जानकार से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरूआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मूंग के भाव में रहा उतार चढ़ाव, खातेगांव मंडी में आया 780 रुपए का जबरदस्त उछाल। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मूंग के साथ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक कम बनी हुई है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके बाजार भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की उपज में कमी का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सुस्त रही। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 23 मई को मूंग का भाव रहा 5,830 रुपए, 24 मई को इसके भाव में 300 रुपए की बढ़त आई और भाव 6,130 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भी तेजी के साथ सौदे हुए। 23 मई को यहां मूंग का भाव रहा 5,120 रुपए, 24 मई को इसका भाव 780 रुपए बढ़कर 5,900 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कमजोरी देखने को मिली। यहां 23 मई को मूंग का भाव रहा 7,300 रुपए, 24 मई को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 7,280 रुपए पर आ पहुंचा। यहीं की हाथरस मंडी में मूंग के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। 23 मई को इसका भाव रहा 7,150 रुपए, जो 24 मई को 10 रुपए बढ़कर 7,160 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 19 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। वहीं दलहन के निर्यात पर नजर डाले तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। मूंग के जो बाजार है उसकी स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम मूंग के बारे में जानना चाहेंगे, इसके मौजूदा हाल को देखते हुए क्या संभावनाएं लग रही हैं, भाव किस ओर जाएंगे आगे? मूंग की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंग की कीमतों की बात की जाए जी, आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण मूंग की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा जी। लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक रखा हुआ है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले कुछ दिनों में मांग में कमजोरी से बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले जी, लेकिन जी। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो मूंग के जो किसान हैं उन्हें आने वाले दिनों में इसके भाव में थोड़े उतार चढ़ाव का जो है सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉक कर सकते हैं, भंडारण की सुविधा है तो इंतजार कर लेंगे, तो आगे आने वाले समय में जब मांग अच्छी निकलकर आएगी भाव में तेजी की जो संभावना है वो बन सकती है। आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मामूली बदलाव के साथ हुए बाजरे के सौदे, सामान्य रही मंडियों में आवक।
पंजाब की जलालाबाद मंडी में लहसुन का धड़ाम, भाव में आई 1,000 रुपए की भारी गिरावट। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बाजरे के उपज पर अगर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बाजरे की उपज 94,00,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 14,00,000 टन कम है। बाजरे के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्वाकनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 23 मई को बाजरे का भाव था 1,800 रुपए, 24 मई को इसमें 200 रुपए की नरमी आई और भाव 1,600 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 23 मई को बाजरे का भाव 2,039 रुपए क्विंटल था, जो कि 24 मई को 35 रुपए की बढ़त के बाद 2,074 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में बाजरे के भाव में 23 रुपए की बढ़त देखी गई और ये 1,985 रुपए से बढ़कर 2,008 रुपए हो गया। यहीं की टुंडला मंडी में बीते दो दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 23 और 24 मई को बाजरा 2,100 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार का। शिव जी, बाजरे की जो बाजार की स्थिति है उस पर तो आपने नजर बनाए रखी होगी, इसके भाव किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल, ऐसे में जबकि एक स्थिरता का रुख बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी से इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको, देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन खरबूजे का हाजिर भाव क्या रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में खरबूजे का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां सौदे 1,425 रुपए पर हुए और यहीं की नोएडा मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लहसुन की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए जानेंगे इस कार्यक्रम में हरी मिर्च के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लहसुन की। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। लहसुन की कुल उपज बीते साल के मुकाबले 260,000 टन बढ़कर 31,00,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात लहसुन के हाजिर भाव की करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को लहसुन के सौदे उठापटक के साथ हुए। एगमार्क नेट के अनुसार जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में लहसुन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 23 मई को इसका भाव था 4,500 रूपए, 24 मई को ये 500 रूपए बढ़कर 5,000 रूपए पर हुए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में 23 मई को लहसुन का भाव रहा 4,000 रूपए, 24 मई को इसके सौदों में 1,000 रूपए की गिरावट आई और भाव 3,000 रूपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन के भाव में मामूली बढ़त देखने को मिली। यहां 23 मई को लहसुन का भाव रहा 3,960 रूपए, 24 मई को इसके सौदे 40 रूपए चढ़कर 4,000 रूपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही आगरा मंडी में 23 मई को लहसुन का भाव रहा 3,300 रूपए, 24 मई को इसके सौदों में 20 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,320 रूपए। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन में बताया गया है कि 2020-21 में लहसुन की पैदावार 260,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो जाएगी, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी उपज 29,25,000 टन रही थी। आपको बता दें कि 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और लहसुन के बाजार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शिव जी, लहसुन के बाजार की स्थिति कैसी नजर आ रही है इस वक्त आपको? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में नरमी का रुख कायम है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में लहसुन की कीमतों की बात की जाए, मांग में कमजोरी और आवक में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में कुछ दिनों तक थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जिन किसानों ने जो लहसुन का स्टॉक है वो रखा हुआ है, उन्हें किस वक्त बिकवाली करनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो लहसुन के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा। शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें। बढ़ते आगे बता दें आपको बैंगन के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,750 रूपए प्रति क्विंटल। वहीं बात करें पंजाब की डेरा बाबा नानक मंडी की तो यहां भाव रहा 1,500 रूपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 1,100 रूपए पर हुए तो गुजरात की सूरत मंडी में भाव 1,850 रूपए। जी हाँ, ये तो बात हुई बैंगन की। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव कैसे रहे। महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ टमाटर का भाव रहा 3,500 रूपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की रैया मंडी में भाव रहा 2,500 रूपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 1,500 रूपए पर हुए तो वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 3,400 रूपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं हरी मिर्च की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3,500 रूपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च के सौदे 3,250 रूपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,010 रूपए, जबकि पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2,634 रूपए।
मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वही बात हरी मिर्च के उत्पादन की करें तो इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2020-21 के लिए जारी तीसरे अनुमान के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन हो सकती है, जबकि 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3,00,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए फिर शुरू करते हैं बाजार के जानकार का। शिव जी, अब जानना चाहेंगे आपसे हरी मिर्च के बाजार की स्थिति के बारे में। बताइए क्या अनुमान है आपका और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं बाजार की स्थिति से? हरी मिर्च की बात की जाए तो हरी मिर्च की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ मंडी खबर में जुड़े रहे और बेहद ही अहम जानकारियां आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सेब और काजू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को सेब की आवक सामान्य रही। सेब के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्टनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 11,000 रूपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 6,500 रूपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब के सौदे 8,150 रूपए पर हुए। इसी राज्य की आगरा मंडी की बात करें तो यहां सेब का भाव रहा 8,240 रूपए। इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार 2020-21 में सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 28,14,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले करीब 7,00,000 टन कम है। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 2,21,000 टन से भी ज्यादा बढ़ गया है। 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से फलों का कुल निर्यात 9,87,416 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 7,75,978 टन का ही हुआ था। तो फलों के निर्यात की स्थिति यहां पर बेहतर नजर आ रही है। वहीं अगर उत्पादन की बात करें तो सेब की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि फिलहाल मंडियों में एक सामान्य आवक सेब की बनी हुई है। और सेब के तमाम अलग अलग मंडियों के हाजिर भाव के बारे में आपने जान लिया। यहां पर बढ़ते आगे और बात करते हैं अब केले की। जान लेते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में केले के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। बीते कारोबारी दिन महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले का भाव रहा 2,000 रूपए प्रति क्विंटल, तो वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में इसका भाव रहा 1,900 रूपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात की जाए तो यहां पर केले के भाव रहे 2,100 रूपए,
तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2480 रुपए। जी हमने बात की केले की, जान लेते हैं कि आम के बाजार भाव क्या दर्ज किए गए देश के अलग अलग मंडियों में। बीते कारोबारी दिन महाराष्ट्र के पुणे मंडी की अगर बात करें तो यहां पर आम का भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में आम के सौदे 5000 रुपए पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी भाव रहा 5000 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काजू की। देखते हैं इसके बाजार की स्थिति हमें क्या बता रही है। कृषि उपज मंडियों में काजू की आवक सामान्य से कम रही। बात इसके हाजिर भाव की अगर करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में काजू का भाव रहा 85000 रुपए, वहीं गोवा की मापुसा मंडी में इसके सौदे 14000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिल रही है, जिसका असर काजू के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और ये 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो 2019-20 के दौरान 7,03,000 टन ही रही थी। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35,00,000 टन ज्यादा हो सकती है। जहाँ तो काजू की हम बात कर रहे थे, इसकी पैदावार में जहाँ कुछ कमी का अंदेशा नजर आ रहा है, तो जो निर्यात की स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मांग फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ रही है। ऐसे में इन बातों का असर आने वाले दिनों में काजू के भाव पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको भिंडी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं पंजाब की रैया मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की दिवाई मंडी में भाव रहा 1,140 रुपए और गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,425 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।